देखिए, कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया, प्रश्नावली आपका 13.1 और प्रश्न संख्या आपका एक। एक में यहाँ पे बोल रहा है, बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान का माप दिए हुए हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार, आयताकार का मतलब होता है आयत के आकार का, और एक वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब होता है वर्ग के आकार का। एक आयत का आकार का और एक वर्ग के आकार का खेल के मैदान का माप दिए हुए हैं। ठीक है, यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो यहाँ पे देखिए, ए में यहाँ पे आपको आकृति दिया है वर्गाकार का, है ना, वर्गाकार का मतलब होता है वर्ग के आकार का, और बी में आपको दिया है आकृति आयताकार का, आयताकार का मतलब होता है आयत के आकार का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। उस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक भुजा 80 मीटर का है और दूसरा भुजा भी 80 मीटर का है, तीसरा भुजा भी 80 मीटर का और चौथा भुजा आपको 80 मीटर का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों भुजा का जो माप है 80 मीटर का है। ठीक है, और इसका हम कोण की बात करें तो ये सभी कोण अंदर के 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो भुजा है चारों, वो 80-80 मीटर का है, यानी कि बराबर है चारों भुजा, और कोण भी बराबर है, 90-90 डिग्री का कोण है तो बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। अब हम बात करते हैं आयत का। ठीक है, आयत किसे कहते हैं? तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने के भुजा समान होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भुजा है और यहाँ पे जो भुजा है, ये एक दूसरे के क्या है? समान है, यानी कि बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा, ये एक दूसरे के क्या है? समान है, यानी कि बराबर है। तो इस चतुर्भुज को हम आयत बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा, यदि इनके परिमाप समान है, यानी कि इनके परिमाप बराबर हैं, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बोलिए या वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए, इसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का इसका सूत्र होता है आपको भुजा गुने भुजा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, तो भुजा को भुजा में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा भुजा वर्ग। तो यहाँ पे देखिए, आपको वर्ग का भुजा दिया है 80 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 मीटर। ठीक है, फिर है गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह, फिर है भुजा, तो भुजा 80 मीटर है वर्ग का, तो लिखेंगे 80 मीटर। अब हम क्या करेंगे? गुना करेंगे 80 को 80 में, तो 8 8 हो जाएगा 64, और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे 00, तो 6400। गुना करेंगे तो आएगा 6400, ये हो गया आपको 6400 वर्ग मीटर। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बोलिए या आयत का क्षेत्रफल बोलिए, इसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आयताकार मैदान का दिया है आपको लंबाई 100 मीटर, तो लंबाई यहाँ पे हो जाएगा आपको 100 मीटर, फिर गुने, फिर है चौड़ाई, तो चौड़ाई आपको यहाँ पे दिया है 60 मीटर, तो लिखेंगे 60 मीटर। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे 100 को 60 में,
तो हो जाएगा आपको 6,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, बोल रहा था यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 6,400, और यहाँ पे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है आपको 6,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है क्षेत्रफल, 6,400 इसका है वर्गाकार मैदान का। तो लिखेंगे यहाँ पे अस्पष्टता वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। ये हो गया आपका आंसर।